फाइव पार्ट सिक्स आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग हीडर एंड फूटर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में हीडर फूटर को कैसे इंसर्ट करते हैं हीडर एंड फूटर आर द एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम्स मार्गि ऑफ इच पेज इन ए डॉक्यूमेंट्स हीडर और फूटर वो एरिया होता है टॉप और बटम में होता है जो कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के पेज में इसको मार्गिन्स करते हैं यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन हीडर एंड फूटर हम जो है इसमें टेक्स्ट को और ग्राफिक्स में करते हैं हीडर एंड फूटर में टू इंसर्ट हीडर इन ए डॉक्यूमेंट परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप ऑन नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पर हम जानेंगे कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्स में हीडर को परफॉर्म करते हैं सबसे पहले क्लिक द इंसर्ट टैब हमें इंसर्ट टैब पर जाना है क्लिक हीडर फ्रॉम हीडर्स एंड फूटर्स ग्रुप हीडर फ्रूटर्स का ग्रुप दिख रहा है जिसमें से हमें हीडर पर जाना है सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ हीडर एज रिक्वायर्ड बाई यू यहाँ पे इतने सारे स्टाइल दिख रहे हैं हमें जो भी हीडर के लिए लेना है स्टाइल वो हम यहाँ से लेंगे टाइप द टेक्स्ट फ्रॉम द हीडर और हीडर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रवि ग्राफिक्स रवि बना रहे हैं तो इसका नाम है रवि ग्राफिक्स क्लिक क्लोज हीडर और फिर हमें क्लोज हीटर पे जाना है एंड फुटर फ्रॉम क्लोज ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब और फुटर पे जाना है क्लोज करके डिजाइन टैब पे टू इंसर्ट फुटर परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप अब हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में फुटर को परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले क्लिक द इंसर्ट टैब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है क्लिक द फूटर फ्रॉम हीडर एंड फूटर ग्रुप एक गैलरी अपीयर्स हमें क्या करना है कि फूटर को ये करना है जैसे हमने हीडर किया था अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फूटर करेंगे तो यहाँ से हम फूटर लेंगे सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ़ फूटर यानी जो भी हमें फूटर में से स्टाइल लेना है वो हम सेलेक्ट करेंगे टाइप द टेक्स्ट फॉर द फुटर यानी हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट में कुछ भी और क्लिक क्लोज हीडर एंड फुटर फ्रॉम क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब, उसके बाद से हम क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे और हमारा यहाँ ऐसे शो करने लगेगा जैसे पेज वन पेज टू ऐसे करके हम डालते हैं ना ये हमारा शो करने लगेगा फूटर